1 अगस्त को आईपीसी 304 ए के अनुसार गुना दाखिल हुआ था। ये गुना में एक स्विफ्ट डिज़ायर कार ने 3 लोगों को जख्मी किया था, उसमें से एक जख्मी मामचंद जैनवाल ये गंभीर रूप से जख्मी थे, बाद में उनका उसमें देहांत हो गया। तो इसका जो आरोपी था वो सलमान नासिर कल्दानी, हम लोगों ने उसको निष्पन्न किया था, लेकिन वो काफ़ी दिन से मिल नहीं रहा था। एपीएमसी सीनियर पी आई श्री नलावड़े, इनको 25 तारीख को एक खबर मिली थी कि जो नासे सलमान कल्दानी है ये एपीएमसी में आने वाला है। तो हम लोगों ने एपीआई वसीम शेख और एपीआई नितिन सांगड़े और पीएन ठाकुर, पीएन काले, ये लोगों को वहाँ पे नाकाबंदी के लिए लगाया था। एक विटारा कार में, वीजा विटारा कार में एक संशयास्पद रीत्या एक आरोपी आ रहा था। ये लोगों को जैसा ही उसमें आशंका हुई, उन्होंने वो गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी न रोकते हुए इनको डैश मारकर आगे जाने की कोशिश की। आगे जाके नितिन सांगले ने ये गाड़ी ताबे में ली और उसमें से 2 आरोपी जो थे, सलमान नासिर कल्दानी और जितेंद्र सिंह भदौरिया, इनको हम लोगों ने ताबे में लिया और उनकी झड़ती लेते हुए उनके पास एक अग्निशस्त्र और एक देशी बनावट के अग्निशस्त्र और एक कारतूस मिला है। ये जो आरोपी है इनके ऊपर, इसके पहले भी 304 ए, 379 और एक 425 भारतीय शस्त्र अधिनियम, ये उन्हें दाखिल है। अग्निशस्त्र जब्त करने की अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी कामगिरी ये दोनों ने की है, इनकी वरिष्ठ अधिकारियों ने सराहना की है।